अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम सेटिंग आउट कर्व बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स का मेथड पढ़ेंगे। प्रीवियस मेथड में हमने ऑफसेट्स फ्रॉम लॉन्गकार्ड के तरीके से सेटिंग आउट ऑफ कर्व किया था। जो पहला मेथड था लीनियर का एंड दिस वन इज द सेकंड मेथड व्हिच इज बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स। कर्व की सेटिंग करने से पहले आपको क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया गया होगा और उस डेटा की मदद से आप कर्व को सेट आउट करोगे, या वो डेटा गिवन होगा या उसमें कुछ डेटा हम फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड नीडेड डेटा फॉर सेटिंग आउट हॉरिजॉन्टल कर्व बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स मेथड। इस मेथड से दैट इज मेथड नंबर टू, टेक रेडियस ऑफ कर्व इज इक्वल टू 200 मीटर, आर इज इक्वल टू 200 मीटर एंड इट्स डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन एंगल है ये दैट इज 60 डिग्री और रेडियस ऑफ कर्व ये अगर इसको हम यहाँ सेंटर यहाँ पे कहीं करें तो ये इसका क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे साथ कितनी दी गई है 200 मीटर दी गई है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट्स से इट इज आई इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा दैट इज इंटरसेक्शन एंगल। इंटरसेक्शन पॉइंट का चेंज आपके साथ दिया गया होगा या मालूम होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के चेंज से हम ये टेंजेंट लेंथ फाइंड करेंगे और वो माइनस करेंगे। तो जब टेंजेंट लेंथ को इंटरसेक्शन पॉइंट से माइनस करेंगे तो हमारे साथ पीसी आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, स्टार्ट ऑफ कर्व या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व आ जाएगा। तो टेंजेंट लेंथ को हम किस तरह फाइंड करते हैं, टी इज इक्वल टू आर टेंजेंट पाई बाई टू दैट इज 115.45 जो ऑलरेडी गिवन है या मालूम करके फिगर में पुट की गई है। टेंजेंट पॉइंट दूसरा हम टी टू हम किस तरह फाइंड करेंगे या एंड ऑफ कर्व किस तरह फाइंड करेंगे, इस टी वन के साथ ये लेंथ ऑफ कर्व प्लस कर ले तो हमारे साथ टी पी या टेंजेंट पॉइंट टू आ जाएगा। पी सी और टी पी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए एक दूसरे के साथ मिलाए ये हमारे साथ लॉन्गकार्ड होगा, दिस वन वुड बी और लॉन्गकार्ड, ये यहाँ पे जो लगाया गया है दैट इज और लॉन्गकार्ड। नाउ लेंथ ऑफ लॉन्गकार्ड यहाँ पर हमारे साथ जो है दैट इज 200, मतलब या तो ये गिवन है या इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू टू आर साइन पाई बाई टू का फार्मूला है, उससे आप लेंथ ऑफ लॉन्गकार्ड भी फाइंड कर सकते हैं दैट इज 200 मीटर, या गिवन है या हमने फाइंड किया हुआ है। अब इस लॉन्गकार्ड को हाफ करें जिस तरह प्रीवियस मेथड में हमने किया था, अगर इसको हम हाफ करें तो 100 आ जाएगा, मिड पॉइंट इसका 100 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारे साथ क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारे साथ मिड पॉइंट होगा 100। इससे एक स्ट्रेट ऑफसेट ड्रा करें, ये वाला जिस तरह ये ब्लैक है, मैं इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन शो करता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन आप यहाँ ड्रा करें बिल्कुल सेंटर पे मेट पे और ये 90 पे होना चाहिए। 90 पे होने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करना है और वो किस तरह है, वो ये है कि आप एक ट्राइंगल बनाए जिसका एक साइड अगर ये 3 आ रहा है, दिस वन कम्स एट 4 एज 4, सो ये जो डायगनल है वो 5 होगा। तो 3 4 5 ट्राइंगल अगर आप बनाएंगे तो ये वाला जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट होगा और ये इस लॉन्गकार्ड के साथ 90 का एंगल बनाएगा, या लॉन्गकार्ड पे नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा। इस मेड ऑर्डिनेट की एक्चुअल लेंथ फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज आर वन माइनस कॉस पाई बाई टू। इस फार्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। आर इज गिवन 200, यहाँ पे 200 पुट करें, वन माइनस कॉस पाई बाई टू, पाई हमारे साथ क्या है 60 है, 60 बाई टू, तो एच वन की वैल्यू आ जाती है हमारे साथ 26.794 या 26.8, तो एच वन इज 26.8 या 79। मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू मतलब कि मिड पॉइंट पर कर्व का जो एपेक्स पॉइंट है वो लॉन्गकार्ड के सेंटर से कितने फासले पर होगा, कितने लेंथ पर होगा, 26.79 मीटर पर होगा। यहाँ तक जो प्रोसीजर था ये तकरीबन जो प्रीवियस हमने किया था बिल्कुल सेम उसी की तरह था। अब हम आगे जो हमारा आ रहा है उसको हम इस तरह करेंगे कि लॉन्गकार्ड के एक तरफ लॉन्गकार्ड की मदद से हमने टेंजेंट पॉइंट वन और टेंजेंट पॉइंट टू को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया, फिर लॉन्गकार्ड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, हाफ लॉन्गकार्ड आ गया,
हाफ लॉन्ग कार्ड पे हमने मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड की और वो लॉन्ग कार्ड से हमने ड्रा की, दैट इज एपेक्स पॉइंट ऑफ द कर्व। यहाँ तक जो प्रोसीजर था ये ऑलमोस्ट जो लॉन्ग कार्ड के मेथड तक प्रोसीजर के साथ सेम आ रहा है, मतलब वहाँ भी हमने मिड ऑर्डिनेट का जो कि जो वैल्यू थी हमने फाइंड की, यहाँ पर सिर्फ मुख्तलिफ फार्मूले से फाइंड की। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे इस तरह करते हैं कि यहाँ पर जो एपिक्स पॉइंट आ जाए, एपिक्स पॉइंट जहाँ यहाँ जब यहाँ पर आ जाए तो नेक्स्ट इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ये और पी सी पॉइंट को इसको ज्वाइन करते हैं, ये वाले जिस तरह यहाँ पर रेड से है मैं ग्रीन से कर रहा हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट आए, ये तो ये हम ग्रीन से ज्वाइन करते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम क्या करते हैं, ग्रीन से ज्वाइन करते हैं, ये लाइन जाते जाते कहाँ बनेगी, यहाँ पर आ जाएगी। अब ये कर्व अगर हम कंसिडर करें, ये वाली कर्व अगर हम कंसिडर करें, ये पोर्शन ऑफ कर्व अगर हम कंसिडर करें, ये दिस वन एंड दिस वन लॉन्ग कार्ड के मिड के दोनों साइड वाली जो कर्व है वो इक्वल और सेम होगी। ये अगर हम कंसिडर करें तो ये वाली जो लाइन जो हमने ग्रीन लगाई है ये इसका अ काइंड ऑफ क्या कंसिडर होगा, लॉन्ग कार्ड कंसिडर होगा, ये इसका लॉन्ग कार्ड होगा और ये वाला जो है दूसरा ये इसका लॉन्ग कार्ड होगा, ये इसके लिए लॉन्ग कार्ड होगा एंड दिस वन वुड बी द लॉन्ग कार्ड फॉर द अदर पार्ट ऑफ द कर्व। अब इस लॉन्ग कार्ड को हम टू हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये वाली लेंथ हम फाइंड करेंगे, ये लेट्स से इट इज एम, एम से लेकर टी पी तक ये वाली लेंथ हम फाइंड करेंगे लॉन्ग कार्ड की लेंथ, और इसको मिड पर क्या करेंगे निशान लगाएंगे, लेट से इसका ये मिड पॉइंट है और यहाँ पर इसका ये मिड पॉइंट है। अब लॉन्ग कार्ड का सेंटर ये हो गया और ये हो गया, लेट्स ये लॉन्ग कार्ड हमारे साथ 70 फीट है, 70 है, दिस विल आल्सो भी 70 फीट। इसको अगर टू पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो इसका आधा या हाफ 35 आएगा, ये चारों हाफ हाफ हमारे साथ 35 बनेंगे। नाउ इस लॉन्ग कार्ड के मिड से जो अभी प्रोड्यूस्ड हुआ है इसके मिड से हम दूसरा ऑफसेट ड्रा करेंगे और उस ऑफसेट को फाइंड करने के लिए हमारे साथ वही सेम फार्मूला है लेकिन ये cos pi by 2 है, नेक्स्ट के लिए हम ये हमारे साथ क्या होगा pi by 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटर से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये इंटरसेक्शनल एंगल जो बन रहा है यहाँ पर ये अगर स्ट्रेट आ जाए तो ये क्या हो रहा है, ये हाफ हो रहा है, यहाँ पर हाफ आ गया, यहाँ पर हाफ आ गया। अब अगर हम यहाँ पे कर ले तो ये और आधा हो रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे एंगल को बी डिवाइड करेंगे। तो एच टू फाइंड करने के लिए ये भी एच टू है, ये भी एच टू है, सेम फार्मूला है आर इन टू वन माइनस कास पाई बाई टू, ये आप कर ले वन माइनस कास पाई बाई फोर, यहाँ पर एच टू आ जाएगा, यहाँ पर एच टू आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे साथ जो है नेक्स्ट हमारे साथ क्या होगा, अब ये एच टू वाला जो पॉइंट बन रहा है अब हम इस पॉइंट को आगे मिलाएंगे, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे आगे मिलाएंगे और वो हमारे साथ सेंट्रल पॉइंट के साथ होगा, सेंट्रल पॉइंट के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये जो पॉइंट आ रहा है ये इस पॉइंट से हम यहाँ तक ये लाइन लगाएंगे, ये लॉन्ग कार्ड हो जाएगा किस चीज़ के लिए, इस कर्व के लिए, ये छोटा पार्ट बन रहा है, ये सेम इसी तरह भी करेंगे, यहाँ भी दो आ जाएंगे, दो यहाँ 2, 3, 4 ये आ गए। स्टार्ट में पहला जो कर्व था वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, अब आगे जो है ना 2+2 4 में डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए भी वही फार्मूला है लेकिन एंगल वहाँ पाई बाई 4 था तो एच 3 के लिए आप क्या करें पाई बाई 8 करें, आर इन टू एच 3 यहाँ लिखा हुआ है, आर इंटू वन माइनस कास पाई बाई 8, तो कास पाई बाई 8 से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर एच होगा, ये दिस वन वुड बी एच 3, इस तरह यहाँ आएगा और बकाया दोनों तरफ से आ जाएगा। तो नेक्स्ट एच 4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये वाली लाइन आप ड्रा करें, ये लॉन्ग कार्ड हो जाएगा, लॉन्ग कार्ड हो जाएगा और यहाँ पर इसका एच 4 आ जाएगा, इसी तरह दूसरे साइड पे भी आ जाएगा जिसका फार्मूला हमारे साथ आर इंटू वन माइनस कास पाई बाई 16 है। तो सारे जो एच के वैल्यूज़ है इस तरह हम फाइंड करेंगे एच 1 एच 2 एच 3 एच 4 और उसी लॉन्ग कार्ड को हम दरमियान पे मिड पे डिवाइड करेंगे और जो एच डिस्टेंस आ रहा है उसको हम
पिक के जरिए साइड पर या फील्ड पर मार्क करेंगे। सारे एज के जो हाइट्स है, एक्सटर्नल पोजीशन है, उनको एक दूसरे के साथ मिलाकर हमारे साथ कर्व की, सिंपल कर्व की एक प्रॉपर शेप बन जाती है। इन शॉर्ट, इस मेथड में हमारे साथ सिर्फ एक ही फार्मूला है, आर इंटू वन माइनस कॉस पाई बाई टू। इससे आपके साथ ये जो पोर्शन है पहला, ये इसकी एच वन आ जाएगी, ये एच वन आ जाएगी। फिर दूसरी के लिए आप क्या करें, ये पाई बाई टू है, नेक्स्ट में आप पाई बाई फोर कर ले, नेक्स्ट के लिए पाई बाई एट कर ले, पाई बाई सिक्सटीन कर ले, पाई बाई थर्टी टू, और इस तरह आगे चलते जाए। तो जो भी ऑर्डिनेट्स है, जो भी डिस्टेंसेस है, वो आपको मालूम होते जाएंगे। दैट्स व्हाट वी हैव फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी।